लो नेहा, जो मैं अभी बोलने जा रहा हूँ उसके लिए पहले से माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि ये करना मेरी मजबूरी है। आई एम नॉट हैप्पी एनी मोर विद यू और माई सेल्फ। आई जस्ट नीड अ ब्रेक। प्लीज डोंट कॉल मी और मैसेज मी। आई एम सॉरी। गुड बाय। से कोने में ऊबर खाबर रास्तों से गुजरते हुए मेरी नज़र आ रुकी किशन पे, जिसके चेहरे की झुर्रियाँ उसके हाथों की लकीरों से मेल नहीं खाती थी, जिसके अकेली थकी हुई नज़रें और वो कहानियाँ बतलाती थी। कितनी ही कहानियाँ सुनी मैंने और देखी भी, पर कितनी ही बार आंसू पलकों में ही आकर ठहर गए। दिल्ली की चिलचिलाती गर्मी में पसीना बनकर बह गए। इस कहानी में कुछ भी नहीं है और कुछ ना होते हुए भी सब कुछ इसी में है। समंदर में बूंद के जैसी इस कहानी को क्या नाम दूं, या इसे सिर्फ बेनाम कहकर इसे इसके हाल पे ही छोड़ दूं। हजारों ख्वाहिशें दफन थी एक छोटी सी दुनिया में, बाजारों की नींदें उड़ी हुई थी, सहमी सी गलियां भी अब थक चुकी थी। जिंदा रहने की हजारों लड़ाइयों में लाखों सपने हर पल दफन होते जा रहे थे। फिर एक सुबह
अजीब है ना यह दुनिया, खामोश निगाहें चुप ही रहती हैं, आंखों के आगे दुनिया भिलकती है, फिर भी जुबां कुछ नहीं कहती है, मगर कहीं ना कहीं किसी रोज़ किसी एक तंग गलियारे में या फिर एक छोटे से कमरे में लेटे हुए पुरानी छत को निहारते हुए एक ख्याल ज़रूर आता है, शायद कल की सुबह थोड़ी ज़्यादा सुंदर होगी या शायद ही जान शरीर के अंदर होगी। एक आखिरी बार दर्द में आंखें मूंद लेती हूँ और इस बेनाम कहानी में अपना भी एक छोटा सा जिक्र ढूंढ लेती हूँ।